नमस्कार, आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर ऑनलाइन शिक्षण संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज कक्षा पंचमी विषय पर्यावरण में अध्याय 16 हमारे गौरव में पढ़ेंगे। इस पाठ में हमने पीछे में डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा और डॉक्टर विक्रम साराभाई का देश के प्रति क्या योगदान रहा उनके बारे में पढ़ा था। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा ने स्वदेशी साधनों के उपयोग पर ज्यादा बल दिया और देशवासियों को भी स्वदेशी का अधिक उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। उनका मानना था कि हम जितने भी स्वदेशी साधनों का उपयोग करेंगे, इससे हमारा देश का सारा धन है जो हमारे देश में रहेगा, इससे हमारा देश और भी प्रगति करेगा और विकास के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। इस पाठ में आगे के क्रम में आज हम भैया बहनों जीजा भाई के बारे में पढ़ेंगे। आपने जीजा भाई का नाम तो सुना भी होगा, पिछली कक्षाओं में भी आपने अध्ययन किया होगा। जीजा भाई बहुत ही एक धर्मपरायण भक्त नारी थी, दृढ़ संकल्प नारी थी। शिवाजी का नाम भी आपने सुना होगा, वीर शिवाजी जो हिंदू साम्राज्य के हमारे हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था। ये जीजाबाई बहुत ही बुद्धिमती और धर्म परायण दृढ़ संकल्प और धर्म की मर्यादाओं पर स्वाभिमान अनुभव करने वाली बुद्धिमान नारी थी। बहुत ही बुद्धिमान तेज दिमाग वाली नारी थी, धर्म परायण, अपने हिंदू धर्म के प्रति उसका विकास करना, धर्म को किस ओर किस तरह से आगे बढ़ाया जा सके उसके प्रति दृढ़ संकल्प थी। धर्म की मर्यादाओं पर स्वाभिमान, धर्म की अपनी जो भी मर्यादाएं थी, धर्म के अंदर जो भी विचार, धर्म को किस प्रकार धर्म का प्रचार प्रसार करना, उस पर वो अपने हिंदू धर्म के प्रति अपने हिंदू धर्म पर स्वाभिमान अनुभव करने वाली नारी थी। उसको गर्व था, गर्व महसूस करती थी कि हमारा धर्म हिंदू धर्म है, हम हिंदू धर्म में जन्मे हैं, हमारा धर्म बहुत ही बड़ा हिंदू धर्म, हमारी संस्कृति, इसके विचार, इसकी जो भी हिंदू धर्म की वो, और तुलना भवानी की भक्त नारी थी। भवानी माता हिंदू धर्म में हमारे भगवान के, भगवान जो भी अपने अपने इष्ट देव होते हैं उनकी पूजा अर्चना करते हैं, हम अपनी रीति रिवाज से उनको विद्यालय में भी हम सरस्वती वंदना करते हैं, तो जीजाबाई भवानी माता की भक्त नारी थी। शुरुआत से ही वो शिवाजी के जन्म के समय सिवनेर किले में रहती थी। जीजाबाई सिवनेर का किला था, उस किले के अंदर इसके पति राज करते थे और वो सिवनेर के किले में रहती थी। उसकी संतान यानी जीजाबाई की संतान कौन? शिवाजी। शिवाजी एकदम वीर, स्वाभिमान और बहुत ही दृढ़ संकल्प यानी धर्म के प्रति गर्व महसूस करने वाले हो, ऐसा वो अपनी संतान को, ऐसी संतान वो जन्म देना चाहती थी। कहते हैं बच्चों कि जीजाबाई जब शिवाजी उनके पेट में थे तो भी उसी समय से उसने दृढ़ संकल्प यानी दृढ़ संकल्प कर लिया था जीजाबाई ने कि वो अपने बच्चे को अपने जैसा का जैसा, खुद के जैसा, धर्म के प्रति, धर्म को आगे बढ़ाने वाला, धर्म के प्रति अच्छा व्यवहार करने वाला, धर्म का प्रचार प्रसार करने वाला और अपने खुद के जैसा का जैसा उसे बुद्धिमान, वो अपने शिवाजी को जिस समय शिवाजी जीजाबाई के पेट में थे उसी समय वो माता जीजाबाई उनको ऐसा संकल्प लेके उनको अच्छी तरह खुद भी पढ़ती थी और रामायण महाभारत उनको अपने पुत्र को वो तेजस्वी और गुणवान बनाने के लिए रामायण महाभारत की कहानियां सुनाती थी। शिवाजी के हृदय में संस्कृति के प्रति स्वाभिमान उन्होंने जगाया, अपनी हिंदू संस्कृति है, अपने भारतीय संस्कृति के प्रति उन्होंने अपने पुत्र के जन्म लेते ही उसको शुरू से ही जब छोटा सा था उसी समय उसको बहुत वीर गाथाएं, महाभारत की कहानियां, कृष्ण की, भगवान उनकी वीरों की कहानियां वो सुनाती रहती थी। उसमें वीरोचित यानी वीरोचित गुण होता है, वीर के गुण, वो गुण उसमें उत्साह बढ़ाया। कोंडाला का किला, कौन जीजाबाई सिवनेर जी उनके पास में कोंडाला का किला था, जीतने के बाद, जीतने में उन्होंने
शिवाजी ने कौन डाला? जीजाबाई के पुत्र थे शिवाजी, वो उनकी उत्तराधिकार बने थे शिवनेर किले के राजगद्दी पर बैठे। तो कोंडाला दुर्ग जीतने के लिए उन्होंने अपनी माता जीजाबाई से ही प्रेरणा ली थी। उन्होंने अपने युद्ध कैसे युद्ध करना, युद्ध कला कैसे आगे बढ़ना, सब उन्होंने अपनी माता जीजाबाई से ही प्रेरणा ली थी। बालक को देशभक्त बनाने की शिक्षा हमें जीजाबाई के जीवन से मिलती है। उन्होंने अपने पुत्र को हमेशा देश के समान रक्षा, देश की रक्षा करने वाला और देश के एकदम बड़े, कोई भी कैसा भी बड़ा खतरा आ जाए अपने देश पर तो उसको चुनौती से स्वीकार करना या उसका सामना करना, ऐसा प्रोत्साहित करने की भावना शिवाजी को अपनी माता जीजाबाई से मिली थी। विपत्ति के समय कोई भी, पुराने जमाने में राजा महाराजा आपस में उनकी विस्तारवादी नीति थी, मुगल भी थे, तो वो उसके अपने किले पर वो एक दूसरे पर वो हमला करते रहते थे। उस समय हमले के समय विपत्ति से शांति से, एक विपत्ति के समय शांति से विचार करना, ये शिवाजी के अंदर गुण अपनी माता जीजाबाई से शिवाजी ने सीखा था। शांति से विचार कर फिर दुश्मनों पर त्रुटिहीन योजना बनाने का गुण शिवाजी को अपनी माता जीजाबाई से ही मिला था। आज हम इस बात के अंदर शिवाजी ने अपनी माता से क्या क्या गुण, शिवाजी की माता कैसी थी, बुद्धिमती धर्मपरायण, और उन्होंने किस प्रकार आगे से आगे हिंदू संस्कृति का, अपने हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया, इसको अपने देश के लिए, अपने संस्कृति के लिए बचाए रखा। कितने भी हमले हुए, कितने भी विपत्तियां आई, लेकिन धर्म के प्रति वो एकदम अडिग थे और उन्होंने जब तक शिवाजी थे तब तक उन्होंने अपने धर्म के प्रति कटिबद्ध रहे। ये हमारे देश के लिए बहुत ही गौरव की बात है और हमें भी बच्चों शिवाजी के गुण अपनाने चाहिए और अपने धर्म के प्रति, संस्कृति के प्रति और हमारे हिंदू धर्म के प्रति हमें भी स्वाभिमान करना चाहिए। और उससे जहाँ कहीं भी हमें लगे हमारे धर्म के प्रति कोई खिलाफत हो रही है या उसका दुष्प्रचार हो रहा है तो उसे हमें बचाना चाहिए। इससे हमारे अंदर देशभक्ति की भावना होती है। हमारा देश हिंदू धर्म देश है, यहाँ हिंदुओं की संख्या अधिक है, तो हमें भी इसकी संस्कृति और धर्म को प्रचार प्रसार करना चाहिए। इसके बारे में इसके प्रश्नोत्तर हम PDF के द्वारा आपको भेज रहे हैं, वो आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करनी है। नमस्कार।